देश का संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का साथ दें जीतू पटवारी। आरएसएस की नीति पर देश का संचालन चाहती है भाजपा। आदिवासियों एवं पिछड़ों का हक मारने में सबसे आगे है भाजपा। अरुण यादव। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए एक रुपया दिया हो तो बताएं जनार्दन जी। अभय मिश्रा। मारुति एक्सप्रेस प्रतिनिधि समुद्र मिश्रा, गुड्डू भैया रीवा। जवाहर और गोविंदगढ़ में कांग्रेस ने आयोजित की जनसभाएं, काफी भीड़ उमड़ी। अगर देश के संविधान को बचाना है, भ्रष्टाचार करने वालों से मुक्त होना है और अपने रीवा लोकसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाना है तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार कांग्रेस को अपना अमूल्य मत दें और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा को लोकसभा संसद में भेजें। ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जवा एवं गोविंदगढ़ में आयोजित जनसभाओं के दौरान कही। उन्होंने कहा, देश आज विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान को ही पलट देंगे। अगर संविधान पलट गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सबसे पहले तो आरक्षण पर मार होगी और उसके बाद चुनाव होंगे कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी चीन की तर्ज पर एक ही पार्टी स्थापित देखना चाहते हैं, जो भारत के प्रजातंत्र में संभव तो नहीं है, लेकिन वो इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव को साथ लेकर चलती है। इन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है। एक एक करके घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर भी वो अपने को पाक साफ बताते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा रहे हैं। स्थानीय जनता क्या उन्हें पहचानती है? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या संसद में आवाज उठाई? क्या उन्होंने इस क्षेत्र के किसी गांव के लिए अपनी निधि से कोई काम कराया? ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाने से क्या फायदा? आपने उनका 10 साल का कार्यकाल देख लिया। कांग्रेस ने इस बार रीवा लोकसभा क्षेत्र से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें संसद भेजा जाए। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा कहते हैं, अगर देश का संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। भाजपा ने अगर 400 पार कर लिया तो संविधान में ये अपना खेल खेलेंगे और उसका नुकसान पूरी देश की जनता को उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के इशारे पर ये अपना संविधान बनाएंगे और इस देश को चलाने की कोशिश करेंगे। इनके मंसूबों पर पानी फेरना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए रीवा लोकसभा क्षेत्र से नीलम मिश्रा का जीतना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का सबसे ज्यादा अगर हक किसी ने मारा है तो वो भाजपा है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के पहले चरण में कल 6 सीटों में चुनाव हुए हैं। इन क्षेत्रों की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है और यहाँ पर बीजेपी हार रही है। इन्होंने कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र इतिहास रचता रहा है। कांग्रेस ने रीवा से महिला उम्मीदवार दिया है। इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस सभी को समान रूप से महत्व देती है। नीलम मिश्रा अत्यंत सहज और सरल हैं और उनमें विकास की ललक भी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस बार आप अपना मत कांग्रेस को दीजिए ताकि रीवा लोकसभा क्षेत्र में एक बार भ्रष्टाचार की स्थिति खत्म हो तथा गांव-गांव में विकास की हवा चलने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।